ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੈਡ ਟ੍ਰੈਕ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ बैक टू दिस चैनल. गाना है नो लव बाय शुभ. इससे पहले हमने गाना सुना है इनका वी रोल इन, और वो गाना इतना हिट था म्यूजिक की वजह से, एक फ्लो की वजह से. तो उन्हीं का गाना रिलीज हुआ है. टाइटल है नो लव. थोड़े क्रेडिट्स चेक करेंगे हम इसमें. सिंगर लिरिक्स कंपोजर इसके शुभ ही है. म्यूजिक किसका है? दिया राज एक्सटीटी. आई डोंट नो, शायद इन्हीं का म्यूजिक है. ऑलराइट, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. देखते हैं नो लव गाना कैसा होने वाला है. वी रोलिंग तो ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है ना. इसमें मैंने रील भी बनाई थी, अभी पोस्ट नहीं करी. खैर हाँ, तो आई रेगुलर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम रील्स वगैरह. आप लोग जाके जरूर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज. करते हैं रिएक्शन स्टार्ट. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ. ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ, ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ. ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ. ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ. ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ. ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ, ਨੈਣ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ. ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ. ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਵੈਰ ਕੁੜੇ. ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀਏ, ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ. ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ. Beautiful sad track. ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ. ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੂੰ, ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ. ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰਮਾਤ ਕੁੜੇ. ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ. ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ. ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ. I really like the lyrics इस गाने के. देखो जब मैंने ये गाना स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमने वी रोलिन गाना इस तरीके का सुना था. लेकिन जब हम कोई वैसा गाना, थोड़ा गैंगस्टर टाइप ऑफ फील का गाना हम किसी सिंगर के मुंह से सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक वैसा ही बैठ जाता है कि आने वाले टाइम में हम लोग वैसा ही कुछ सुनेंगे. लेकिन जब हमें एक डिफरेंट जॉनर का गाना उसी सिंगर की तरफ से मिलता है, तो थोड़ा हम सरप्राइज होते हैं या हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते. लेकिन ये गाना सुनने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगी कि इन्होंने बहुत प्यारा लिखा. इन्होंने काफी ऐसे मुझे फुल ऑन इनको सुनने के बाद ना एकदम एपी ढिल्लों टाइप वाइब आती है. गुरिंदर ढिल्लों, सॉरी गुरिंदर गिल, एपी ढिल्लों,
जो उनकी टीम है, मुझे इन अकेले को सुन के बिल्कुल उनके गानों की वाइब आती है। ये भी जो गाना था, इस गाने की वाइब, इस गाने का म्यूजिक, इनकी आवाज, जो लिखा है इन्होंने, इट वॉज सैड। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे जिनके दिल टूटे होंगे, जिन्होंने कभी अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट किया होगा और अभी उनके पास वो नहीं होगा। जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो ये गाना शायद उन्हें याद जरूर दिलाएगा। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी कि जब हमने वी रोलन गाना सुना था तो हमें पहली बार में ही वी रोलन सुन के ऐसा हुआ था कि ओ माई गॉड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने को सुनने के बाद आप जब इसे 1-2-3 बार YouTube पे और फिर Instagram Reels पे या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे तो आप शायद इस गाने को और ज़्यादा 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 पसंद करते जाएंगे। तो पहली बार में हिट कर जाने वाला गाना बेशक ही नहीं था, लेकिन हाँ, अगर हम इसे शॉर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हिट करते हैं, अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये बार बार सुनाई देता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत डिफरेंट वाइब वाला गाना है, बहुत अच्छा हिट जा सकता है। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ माई रिएक्शन ऑन दिस सॉन्ग। शुभ की जो आवाज़ है वो बनी है इस तरीके के गानों के लिए। That was my reaction on this song. कैसा लगा बताना comments में। Thank you so much for watching this video. Do subscribe the channel, hit the bell icon. Video पसंद आया तो इसे like करना मत भूलना।